के खिलाफ
इस मजलूम का साथ देना चाहिए और उस वक्त तक अगर इन लोगों को सजा नहीं मिला तो ये जालिमों का हौसला अफजाई होगा और मजलूमों का हौसला शुक्रिया। ऐसा जो जी आई टी बनी है बिल्कुल, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो बिलाल के बिलाल को और दीगर जो उनके दो साथी हैं यास मोहम्मद और अब्दुल करीम इनको इंसाफ दिलाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो 12 लोग हैं आपकी भी मुस्लिम यही है या आप और मुसलमान प्रोवाइड करना? नहीं नहीं नहीं, हमारी यही मुंशी में नामिनेट है बकाया, उसमें वो कुछ पुलिस का अपना काम है, चार बजे नामिनेट है, उसमें उसका साथ हम लोग को मिल गया दहशतगर्दी लेकिन मुसलमान को सी टी टी के हवाले किया जाए, उनको घर जैसे सास के घर में बैठे हुए हैं, तो इसमें ये इंक्वायरी बिल्कुल साफ शफाफ नहीं हो सकती। अगर ये सी टी टी के हवाले किया जाएगा तो वो बेहतरीन इंक्वायरी कर सकते, ये तो आप लोगों के सामने है। ये तो हम ये नहीं कहते कि ये जो तमाम वजारतों इसमें शामिल है, लेकिन जो हदायत है उसको उसे सबको तस्लीम करना पड़ेगा। आप सबके सामने एक छोटा सा मिसाल है, इसे जो इसमें मुलविस है आप लोग हम कहते हैं कि इसको डिफायर में शामिल करें, इस तरह मुलविस है। आप सब लोगों ने वायरल वीडियो देखा है कि इसे जो कमरे से लोगों को निकाल रहा है, देखा है ना सब ने, तो इसका ये मतलब है कि ये जो हमारे शहीद और सख्ती है ये उस कमरे के अंदर मौजूद है। जब पुलिस ने सब को निकाला, ये बहादुर लोग हैं, हमारे बच्चों को इसने बचा लिया, तो फिर ये बच्चे हमें पुलिस ये हमें अस्पताल में नजर आने चाहिए थे, तो ये कचरों के ढेर में कैसे पड़े हुए थे। तो इसका ये मतलब है कि स्विचो ने इसको रखेगा, जब स्विचो कमरे से लोगों को निकाल रहा था तो कमरे में मौजूद थे, जब आप लोगों ने तस्वीरें देखी वो उधर रोड पर पड़े थे, इसमें स्विचो का किरदार है कि नहीं, हम ये चाहते हैं कि उसको शामिल करो। इसका इंक्वायरी फिर जो है साफ और शफाफ नहीं हो, घर ने बोले अपना मुख्य बात के सामने रखा और अब लोग जो है इस वक्त आगे हमारे मुख्यों को पहुँचाए ताकि जालिम का जो है ना रास्ता बच सके।